वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड फिटनेस. ब्यूटी एंड फिटनेस में हम ना सिर्फ फिटनेस के बारे में बात करेंगे बट ऑल्सो ऑफ कोर्स अबाउट ब्यूटी, अबाउट मेकअप. आप मेकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन कैसे बेहतर लग सकती है, विच क्रीम्स टू यूज़, विच क्रीम्स नॉट टू यूज़. इसीलिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट सारा. हेलो सारा, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू. आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. मैंने सुना है कि आपके पास बहुत मज़े मज़े के टोटके हैं बालों के लिए. बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, उन्हें फिक्स कैसे करते हैं, हाउ टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग. माशाल्लाह से आपकी स्किन तो देखें, इट्स ग्लोइंग ऑल द टाइम एंड यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. एंड आई थिंक बेस्ट प्रोडक्ट यही होता है कि आप हमेशा बैठ के स्माइल करें एंड यू फील हैप्पियर एंड लाइवलियर ऑल ऑफ अ सडन. बट वैसे आप मुझे बताएं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, स्किन ब्रेकआउट कर रही हैं, बाल ड्राई हो रहे हैं, व्हाट टू डू? इसकी बेसिक वजह जो है हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. तो मैं समझती हूँ कि डाइटिंग का जो क्रेज़ आजकल सर चढ़ के बोल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा जाए. डाइट का प्रॉपर ख्याल इस तरह इन मानों में कि आप हर चीज़ जो सामने आ रही है वो नहीं खाएं, एक ख्याल से, एतदाल से, और जो चीज़ आप समझते हैं. देखें, हम इतनी नॉलेज तो रखते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ रखी हुई है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है, आया ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है बुरी है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. तो हमें सोच कर समझ कर खाना चाहिए. अगर हम इंटरनली फिट होंगे तो फिर हम अगर हम देख रहे हैं कि हम इंटरनली फिट हैं तो ओरली भी हम देखेंगे कि हम फिट होते हैं. इसके लिए ओरल के लिए तो हम चाहते हैं कि पार्लर चले जाएं, फेशियल ले लें और इस तरह की केयर कर लेते हैं. लेकिन अगर हमारा स्टमक ही बेहतर वर्क नहीं कर रहा तो फिर हम वो जो ग्लो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो फेस पर आ ही नहीं सकता. अच्छा, मैं आपने बोला था कि अक्सर लोग वाइटनिंग फेशियल्स कराना चाहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में लोग इतना कहते हैं कि आपको गोरा होना है, ये वाइटनिंग क्रीम्स आ गई हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स के यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल एंड इफ़ यू आर फेयर यू आर ब्यूटीफुल. इट्स सच अ मिसकंसेप्शन क्योंकि अक्सर लोगों की डार्क स्किन भी होती है एंड दे आर गॉर्जियस. मतलब कि आप देखिए उनकी बड़ी आंखें होती हैं, दे हैव प्रीटी स्माइल्स. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा वाइटनिंग फेशियल्स ही कराएं, राइट? वाइटनिंग फेशियल एक्चुअल वाइटनिंग फेशियल लड़कियों का क्रेज इतना नहीं है, लेकिन ये जो खासतौर से देखा जाए तो लड़के की माएँ जो होती हैं ना उन्हें गोरी बहू चाहिए होती है. तो अक्सर मैंने लड़कियों के मुँह से ऐसे सुना है, यार अभी दे दें, अभी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, शादी के बाद छोड़ देंगे. तो ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं. लड़कियां इतना ज़्यादा क्रेजी नहीं होती हैं, उनको किया जाता है. right. तो इसलिए जब ऐसा जब आता है टाइम तो उनका दिल चाहता है कि भाई उनके वालदैन भी बहुत जल्द उनकी जिम्मेदारियों से सबका दोष हो. अच्छा, तो आपको लगता है कि दिस इज एक्चुअली ट्रू? हमारे किरदार पे इतनी नज़र नहीं रखी जाती जितनी उसके लुक पे रखी जाती. और मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है. हमारी बहुत सी ऐसी बहनें बच्चियाँ जो बेइंतहा कारम बहुत घर के कामों में बहुत माहिर होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन कुछ वजह से, रंग की कमी से या कुछ लुक से. तो एक बहुत खूबसूरत सी बात है, यहाँ ब्यूटी और फिटनेस की बात हो रही है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह सुबहान तआला एक मुसव्विर है जिन्होंने बहुत प्यारी तस्वीरें बनाई. कहीं उन्होंने दरख्त बनाए तो पहाड़ बनाए, और कहीं इंसानों में मुख्तलिफ अंदाज बनाए. हम सब उनकी तस्वीरें हैं और हमें हक नहीं पहुँचता कि हम मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर को बहुत बदल दें. उसको अच्छा रखना चाहिए. सो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सोच को भी बदलना होगा. और ब्यूटी एंड फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ गया है कि बहुत ही दुबली पतली सी बेचारी फाका ज़्यादा सी कोई लड़की वो बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा नहीं होता. आपने बिल्कुल सही कहा कि सांवले रंग में जो खूबसूरती है वो खूबसूरती वाज़े तौर पर नज़र आती है. और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान की बात नहीं करता, हॉलीवुड जहाँ पे के सबसे ज़्यादा खूबसूरती का मान दिया जाता है, वहाँ पे जो टेस्ट है वो टेस्ट इस तरह होता है कि सफ़ेद कमीज़ पहना के ब्लैक एंड वाइट तस्वीर खींची जाती है, उसमें कोई खूबसूरत हीरोइन नज़र आती है तो उसको ब्यूटी माना जाता है. मेकअप के बाद वो नहीं मानते, बगैर मेकअप के जो तस्वीर खूबसूरत आए वो उसको खूबसूरत मानते हैं जो उनका स्टैंडर्ड है. डेफिनेटली, और वहाँ पे अक्सर लोग ये भी कहते हैं, उनका डेफिनेशन होती है गुड लुकिंग की, टॉल डार्क and handsome, yeah. right? Tall, dark and handsome. और अक्सर लोग tanning salons जाते हैं अपना रंग थोड़ा darker करने के लिए. हालांकि ये भी गलत ही है कि आप अपने skin को वही आप
चेंज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक एट द फैक्ट कि इट्स नॉट ओनली फेयर पीपल हु आर ब्यूटीफुल, इट्स एवरी स्किन कॉम्प्लेक्शन में इतनी खूबसूरती आ जाती है. एंड एवरीबडी शुड नो कि बी कम्फर्टेबल इन योर ओन स्किन. आप अगर अपनी स्किन को मेनटेन करें, If you eat right, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें तो ऑटोमेटिकली वो खूबसूरती आपकी शक्ल पे आ जाती है. खुद को कैरी करना आना चाहिए. Exactly, बिल्कुल. आपने प्रॉपर ड्रेसिंग अच्छी सी की हुई हो और आपका सांवला रंग हो तो फिर आपके फीचर्स भी बस दफा अच्छे नहीं होते. Just like you. Just like you. Perfect. Thank you so much. ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मार्केट में इतने ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस और एंटी डैंड्रफ एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ये डू दीस वर्क, ये काम करती हैं? काम करती हैं, लेकिन उनका वो एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं है. प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने कहा कि प्रॉपर डाइट है. प्रॉपर डाइट में आप फिश जितना ले सकते हैं लीजिए, और ये अंडा लीजिए, दूध लीजिए, और एक मिल्क, एक सॉरी एक एप्पल रो डेली ले लें अगर एप्पल का सीजन नहीं है. और अगर एप्पल का सीजन नहीं है तो एक गाजर ले सकते हैं आप. तो इस तरह के से अगर आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पार्लर आए तो हम आपके बालों को बहुत अच्छा सा करके दे दें. उस वक्त तो अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, आफ्टर वीक फिर आप वैसे ही हो जाएंगे. तो उससे बेटर नहीं है कि आप हम इंटरनली अपने आप को फिट करें. जब हम इंटरनली अपने आप को फिट करेंगे, रखेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है वो बात जो है ना आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगी कि आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी हर चीज़ खुद ही बोलेगी कि बहुत अच्छा है. और बालों के बारे में, बिकॉज बाल एक्चुअली देयर लिविंग सेल्स, तो उसमें डेफिनेटली आपकी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा विल आल्सो प्ले अ पार्ट इन बहुत है हेयर केयर. जैसे अभी आप बात कर रही थी कि बाल टूट जाते हैं, मैं बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ. अपने दोनों नाखूनों को इस तरह मिला लें उंगलियों के और हल्का हल्का साउंड क्रिएट करते हैं. इससे टूटे हुए बाल जो हैं, जो बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वो मजबूत हो जाएंगे. और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में जो उनके बाल गिर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत कमाल का काम करता है. लेकिन आमतौर पर भी करें तो बाल ना सिर्फ निकल आते हैं, गिरते नहीं हैं और उनमें बहुत अच्छा रहता है. दूसरी बात, इन्होंने बहुत सही बात की है कि अंदर से ग़िज़ा से सही करते हैं. आप बाहर से कितने भी शाइनिंग कर लें इसको, अगर अंदर से बाल ड्राई हैं तो थोड़ी देर के बाद ये फिर वही बेसिस ड्राई हो जाएगी एंड देन आपको मुश्किल होगी. तो एक बहुत सिंपल सा तरीका योग में हम इस्तेमाल करते हैं. जैतून का तेल हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सरसों का तेल कदीम ज़माने से हमारे इस्तेमाल हो रहा है, और हल्का सा वो लगा के अगर आप थोड़ी देर रहने दें और उसके बाद फिर आप उसको धो लें साफ, तो बहुत सही हो जाता है. और इसके लिए हम एक धोने का ख़ास तरीका इस्तेमाल करते हैं योग में, आयुर्वेद में. आटा जो सिंपल वीट होता है उसको लिया आपने और उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसके ऊपर पानी डाल के हिलाते रहें, वो आटा नहीं निकलेगा, उसमें से जो पानी है गूंधा हुआ वो नीचे जाता रहेगा. उस पानी से उस आटे से नहीं, वरना वो तो निकल के नहीं देगा. अच्छा. उस पानी से बाल धोए जाएं हफ्ते में एक दफ़ा. अच्छा. उसके बाद साफ़ पानी से खूब बाल धोएं और फिर कोई भी ऑयल उसमें लगा लीजिए. इंशाल्लाह बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे. और ये थेरेपी करें. जहाँ तक ब्रीदिंग की आप बात कर रही हैं तो देखिए, ऑक्सीजन असास है, बेस है हमारी ज़िंदगी की. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल नॉर्मली आपकी पूरी बॉडी को बेहतर करता है, लेकिन इसके साथ साथ पुरसकून होना भी बहुत ज़रूरी है. ब्रेन बहुत करीब है, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो बाल ख़राब हो जाएंगे. थॉट से जी बिल्कुल, कहते हैं ना स्ट्रेस से बाल सफ़ेद हो जाते हैं. और ये तो वाकई एक आध ऐसे भी वाकई हैं तारीख में कि एक लम्हे में बाल सफ़ेद हुए, नहीं थोड़ी से वाकई हुआ और बाल थोड़ी देर के बाद सफ़ेद हो गए, यहाँ तक तारीख में लिखा हुआ है. अच्छा. तो बेहतर है कि पुरसकून रहा जाए और डीप ब्रीदिंग की जाए. इंशाल्लाह उससे पूरे सर से लेकर पैर तक बॉडी पर भी इफेक्ट आएगा और बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे. अच्छा, थैंक यू सो मच. इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट. और हमने अब तक नोट किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं, इट्स अबाउट द इनसाइड एंड नॉट द आउटसाइड. आप अंदर से अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, हाउ यू ईट, व्हाट यू डू इन योर एवरीडे लाइफ, इट्स अ होल लाइफस्टाइल. जैसे आपने कहा था, इट्स द वे यू लिव. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट. वी विल सी यू इन अ लिटिल व्हाइल.